हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों बात करेंगे IRCTC लिमिटेड के बारे में। IRCTC में बहुत बड़ा फॉल देखने को हमें मिला एंड वाले टाइम पे। अगर हम देखें स्टार्टिंग में, अगर मैं यहां पर 15 मिनट का कैंडल लगाऊंगा तो आप देख पाओगे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है आज 19 अक्टूबर को, और उसके बाद ऊपर जाता हुआ हमें दिखता है, जो कि अप्रॉक्स मार्केट एक नया रिकॉर्ड हाई 6391 रुपीज़ को टेस्ट करता है एंड सडन उसके बाद 2:45 से फॉल आना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते एक घमासान एक खतरनाक तरीके से मार्केट में फॉल आता है। अगर मैं देखूँ तो अप्रॉक्स ये स्टॉक देखते देखते 20% के आसपास टूट जाता है, जो कि 1300 रुपये होता है। 1300 रुपये गिरावट आया था, लोग में परेशान है भैया क्या करें, इसमें बने रहें जिन्होंने बाइंग किया है, नीचे के लेवल से प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या, फ्रेश एंट्री करना चाहिए, सब जो भी आपके मन में डाउट है आज सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक्चुअल में ये हमारा चैनल ज़्यादातर हम ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, बट यहाँ पे आज मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो IRCTC के बारे में समझना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करें अगर कोई स्टॉक इतना ज़्यादा भाग गया है, किस तरह से उसको हम एनालाइज करें, किस तरह से हम समझें इसको कि मार्केट क्या कर सकता है, ये स्टॉक क्या कर सकता है, कहाँ पे जा सकता है, राइट। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपको इस तरह के स्टॉक्स वाले वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो एक अद्धे मैं बना दिया करूंगा वीक में, कोई भी स्टॉक के ऊपर जो कि बढ़िया है। अगर इस तरह कुछ वीडियोज चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं चाहिए तो भी बेफिक्र होकर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड ठीक है, स्टॉक्स की न्यूज़ या स्टॉक्स के रिलेटेड वीडियोज़ नहीं चाहिए हमें, राइट। चलिए, अभी IRCTC एक इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन है, आपको पता होगा। अगर मैं इसके BSE की साइट पे जाऊँ तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पे कॉरपोरेट इवेंट है। मैं यहाँ पर BSE डायरेक्ट आपको देखना सिखा दे रहा हूँ, डायरेक्टली BSE की वेबसाइट पे जाके IRCTC यहाँ पर टाइप करोगे, क्योंकि प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, बार बार आपको देखना ना पड़े, आप खुद ब खुद सीख पाए, खुद ब खुद आप कर पाएँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है यहाँ पे लोगों को लर्निंग देना। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीज़ to 2 रुपीज़, मतलब 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, अभी 2 रुपये का हो जाएगा, मतलब 5 गुना बट जाएगा। कब होगा ये? 28 तारीख को। 28 तारीख को क्या है इसका एक्स डेट है, राइट। तो मतलब 28 तारीख को ही जो है स्टॉक आपको इसका 5 गुना में डिवाइड हो जाएगा, जो भी 27 तारीख का क्लोजिंग डेट होगा। अगर समझ लीजिए 27 तारीख को 5000 पे स्टॉक बंद हो गया है तो आपको 28 तारीख को स्टॉक का भाव 1000 रुपये दिखेगा, और उसके कुछ दिन बाद आपके पोर्टफोलियो में 1 शेयर के बदले 5 शेयर हो जाएंगे। मतलब आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपके पास 50 शेयर वो दिखने लग जाएंगे। इस न्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ और एकदम से हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली, एंड साथ ही साथ सिर्फ इस न्यूज़ का इफेक्ट नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जैसे कि IRCTC जैसी बड़ी कंपनी बस सर्विस में पूरी अच्छे तरीके से शामिल हुआ है ना, बस सर्विस में पूरे अच्छे तरीके शामिल हुआ। पहले तो आप टिकट बुकिंग कर सकते थे, आप बस की बुकिंग कर सकते हैं, होटल की बुकिंग कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। वैष्णो देवी जाने के लिए इन्होंने अच्छा खासा ट्रेन चलाया, काफ़ी कुछ नया इन्होंने इनोवेट किया। एंड साथ ही साथ आपको क्या लगता है, IRCTC जैसी कंपनी क्या बंद हो सकती है, या क्या इनका बिजनेस फेल हो सकता है? यहाँ तक कि कहीं से भी आप वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट से टिकट बुक करते हो ना, चाहे पेटीएम है, चाहे फ़ोन पे है, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट से पेमेंट टिकट बुकिंग करते हो, घुमा फिरा के आपकी बुकिंग जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ IRCTC से ही होती है। इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन जो है सिर्फ आपकी यहीं से बुकिंग होती है, और बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। मैं स्क्रीनर्स की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप को टेस्ट किया आज इसने, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ IRCTC एक बार आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। अब देखिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज टेस्ट कर दिया था, अभी जब फॉल हुआ तो 94,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिला, कल की क्लोजिंग की डेट से है ये 94,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी हाई वैल्यूएशन है, समझ में आ रहा, बुक वैल्यू सिर्फ 91 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छा खासा मूव आपको दे दिया, पैसे आपके डबल कर दिए हैं। किस रेट से आपके पास पड़ा है वो भी बताइएगा, ROE और ROC भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी भाई मेरे ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी में अच्छा खासा
रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई बहुत बढ़िया है, और साथ ही साथ कंपनी एज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, यहाँ पे डिविडेंड का पे आउट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। हाँ, चीज़ें नेगेटिव भी हैं, बुक वैल्यू से ज़्यादा है, वो तो अच्छे स्टॉक्स यार ज़्यादा ही मिलेंगे, सस्ता मिलेगा नहीं। तो अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर बिलीव है, देखिए इसका पीर में कोई और है ही नहीं, इसके कंपैरिजन में कोई और है ही नहीं, तो इसके अगर फंडामेंटल्स पे आपको बिलीव है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, कंपनी कुछ कर सकती है फ्यूचर में, तो आप रख सकते हो। मेरे को पूरा भरोसा है, मुझे लगता है यह स्टॉक जेम है। जेम का मतलब समझ रहे हो ना, जेम है, और ये एक हीरा एक डायमंड वाला स्टॉक जो कभी पोर्टफोलियो से बेचने वाला नहीं है। तो क्या करें, यहाँ से अगर आपने हाईएस्ट प्राइस पे बाय कर लिया था, क्या करें? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप कंपनी के प्राइजेस में इन्वेस्ट कर रहे हो या कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप कंपनी के प्राइजेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया गलत है, फिर आपको इसमें से एग्जिट ही करना पड़ेगा। आपका जो फियर है, आपका जो फोमो आपको एग्जिट करवा देगा। लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल्स से वाकिफ हो, आपको पता है कि प्रमोटर्स के पास 67% होल्डिंग है, FIs ने भी 8% के अराउंड लिया है, DIs ने भी 8% के अराउंड लिया है, पब्लिक के पास सिर्फ 16% होल्डिंग है, अगर आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको चीज़ें पता होंगी कि कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली है, तो मेरे भाई फिर तो आप जरूर इसमें इसके कंपनी में निवेश करोगे, ना कि इनके प्राइसेस में। तो क्या करना चाहिए, जिन्होंने शॉर्ट टाइम के लिए निवेश किया है भाई, आपको ध्यान रखना है कि 27 को एनी हाउ आपको एग्जिट होना है यहाँ से, अगर शॉर्ट टर्म के लिए किया है। एंड जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं, ये बेनिफिट चाहिए उनको स्प्लिट का, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या स्प्लिट होने के बाद स्टॉक में लगातार अपर सर्किट या लगातार लोअर सर्किट लगेगा? कोई नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता सकता। फिर भी हम अपना ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं कि एक महंगा शेयर है 6,000 रुपये का, आम बंदा आम जनता नहीं खरीद सकता है, हमारे जैसे आपके जैसे स्टूडेंट्स नहीं खरीद सकते, छोटे बच्चे नहीं खरीद सकते। लेकिन जब यह स्टॉक 1,000 रुपये का हो जाएगा, जब स्टॉक 1,200 रुपये का हो जाएगा, क्या इसमें बाइंग नहीं आएगी? मेरे हिसाब से अच्छी खासी इसमें बाइंग आएगी, और भी ज़्यादा लोग खरीदेंगे, लिक्विड हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोअर सर्किट बहुत ज़्यादा लगेगा, स्टॉक फिर से चलने लग जाएगा। जैसे डिक्सन, आपको पता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज कहाँ से कहाँ चला, 20,000 से स्प्लिट हुआ और फिर नीचे, और फिर अभी 20,000 के तरफ ही बढ़ने लग गया है। तो चांसेस अच्छे हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैं कभी नहीं बेचूंगा इस स्टॉक को, अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला हूँ, पड़ा रहेगा सारी ज़िंदगी। मेरे पास भी पड़ा है, मैंने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया था। कैसे बुक कर लिया था? स्विंग ट्रेडिंग किया था, 50% प्रॉफिट, और 50% मेरा माल पड़ा हुआ है, जो मेरा प्रॉफिट था उतने का मेरा माल पड़ा हुआ है, मुझे कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है। जितने भी स्टॉक मेरे पास है पूरा फ्री है, फ्री फ्री फ्री, राइट? तो ठीक है, होल्ड कीजिए आप स्टॉक को, आपको फंडामेंटल्स में समझाया। अगर आप अपने माइंड सेट को बनाइए, आपको डिप में कहीं भी आपको बाय करने में फिर डर नहीं लगेगा, कोई फोमो नहीं लगेगा। अगर आप अपने मन को अपने दिमाग को समझा दोगे कि मेरे भाई मुझे प्राइस से कोई मतलब नहीं, इसको काट दे, मुझे पता है ये आने वाले 10 ईयर्स में हमको 100x देगा, 10x देगा, अगर ये पता है तो आप निवेश कीजिए। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।